नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बैसाखी दी रात। इस कार्यक्रम में पंजाब के कलाकारों की प्रस्तुति रही आकर्षण का केंद्र। जिले में बजरंग बली जी के अवतरण दिवस पर ध्वज रैली निकालकर जय जय श्री राम के नारे से गूंज उठा पूरा क्षेत्र। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड मतों से हासिल की जीत। कांग्रेस की बेहतर चुनावी रणनीति 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे तैयारियां। घर में भीषण आग लगने से एक युवक जिंदा जला। आग बुझाने के प्रयास से पहले ही युवक ने तोड़ दी दम। ग्रह न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा शांति नगर में बैसाखी दी रात का आयोजन खुशनुमा पारिवारिक माहौल में हुआ। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए पंजाब के कलाकारों को आमंत्रित किया गया था। आयोजन में पंचायत के सभी पदाधिकारी व सदस्य के परिजन आए हुए थे। सिख समाज के पारिवारिक मिलन की रात को बैसाखी दी रात के नाम से आयोजित किया गया था। पंजाब की लोक कला भांगड़ा गिद्धा को छत्तीसगढ़ में साकार कर आकर्षण का केंद्र रहे ढोल की थाप पर कलाकारों की कलात्मक थिरकन आकर्षण का केंद्र रही। देर रात चले इस आयोजन में सभी प्रेक्षक झूमने के लिए बाध्य हो गए थे। कर्णप्रिय लोक गीतों के माध्यम से तालियों के साथ युवतियों के नृत्य की जमकर तारीफ हुई। आयोजन के साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था समिति ने की थी। पंचायत के सदस्यों ने अपने मनोभावों को कुछ इस तरह से साझा किया। सर, आज का आयोजन जो है बैसाखी की रात हम लोग मना रहे हैं। बैसाख का महीना कल परसों से आरंभ हुआ है और बैसाख के महीने में जस्ट अगले दिन बैसाखी मनाते हैं। बैसाखी मतलब पंजाब में जो फसल बुआई होती है, बैसाखी वाले दिन उसकी कटिंग चालू होती है, काटना हम लोग चालू करते हैं और उसमें हम लोग उसको नया वर्ष के रूप में मनाते हैं। खुशी की लहर होती है कि भांगड़ा डांस, खुशी होती है कि फसल हो गई है और उसकी कटिंग होगी, पैसा आएगा, खुशी का जश्न होता है। वही आज हम लोग मना रहे हैं कि ये खुशी भरा है। दो साल बाद हम लोग घरों में खुशी आई है। कोरोना काल से हम घर में बैठे हुए थे तो बैठे बैठे हम लोग सोचे भक्ति तो सब करते हैं तो थोड़ा सा चहलकदमी और ये सब खुशी रहना चाहिए पारिवारिक माहौल में, तो उसीलिए हम लोग मना रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट गुरमीत सिंह गांधी। ये पंजाब की सभ्यता को प्रस्तुत करेगा क्योंकि हम लोग पंजाब से बहुत दूर बैठे हैं तो हम लोगों को ये सभ्यता का को जो हम लोग कार्यक्रम करके हमको पंजाब के साथ में अपने बच्चों को जोड़ने वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। किससे जुड़ना? हाँ, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ हम लोग आगे अपनी संस्कृति जोड़ नहीं पा रहे, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी संस्कृति जुड़ेंगे और पूरे परिवार के इकट्ठे होंगे, परिवार के एक मिलन भी होगा और खाना पीना की व्यवस्था पूरी की गई है। तो कुल मिला के ये क्या है, पूरा एक मिलन भी कार्यक्रम भी है और एक अपनी पूरी सभ्यता जोड़ने का एक कार्यक्रम। मैं पलविंदर सिंह रंधावा, छत्तीसगढ़ सिंह पचास वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कोरोना काल में बहुत से ऐसे परिवार थे, एक ऐसा दौर गुजरा है कि जो एक नर्वस टाइप का माहौल था, उस माहौल से उभरते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से पूरे जितने भी हमारे सिख समाज के हैं उनकी तरफ से एक आज सभ्याचार का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें एक मिलन पूरे परिवार जो है मिलन स्वरूप यहाँ पर आएंगे और जो सभ्याचार का प्रोग्राम, ये पंजाब से 18 लोग का एक ग्रुप आया हुआ है। यहाँ पर भांगड़ा, गिद्दा, इसके अलावा हास्य कलाकार जो है मौजूद है और कम से कम भी यहाँ जो व्यवस्था है वो 1200 लोगों की व्यवस्था है और खाने पीने से लेकर चाय पानी तक पूरा व्यवस्था की गई है और एक बड़ा ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है और लोग उत्साहित हैं। कोरोना काल के बाद जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है इसे देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। मैं गुरनाम सिंह, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत महासचिव। वैसे तो हम लोग कोरोना काल में पूरा ही जो भी काम था वो हम बराबर करते रहे, कोई पीछे नहीं हटे, पर अभी हम लोग एक कल्चर प्रोग्राम जो मतलब हंसने खेलने वाला वो पहला प्रोग्राम दे रहे हैं और एक हमारा प्रोग्राम जो आया सारे पंजाब से वहाँ से आया है और एक पारिवारिक प्रोग्राम हम लोग पहला प्रोग्राम करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से, जो पारिवारिक प्रोग्राम है जिसमें सब हमारे परिवार पूरे आएंगे और मतलब एक हंसना खेलना और हम लोग साथ में सब रोटी पानी रखा है, इसलिए रखा है कि हम तो बाहर मिलते रहते हैं एक दूसरे से,
पर हमारे परिवार भी एक जगह इकट्ठे होंगे और सभी एक जगह इकट्ठा हो गए और इकट्ठे सभी लोगों सब मुलाकात हो और आगे के लिए बढ़े। परिवार मिलना सभ्याचार प्रोग्राम है और परिवार मिलना मिलाना एक अपना इकट्ठा करना। एक जसवीर सिंह चाहल छत्तीसगढ़ सिख पंचायत चेयरमैन। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रामनगर इंदिरा चौक सुपेला में कांग्रेस किसान मोर्चा ने बजरंग बली जी के अवतरण दिवस पर ध्वज रैली निकालकर जय जय श्री राम के गूंज से पूरे क्षेत्र को राममय बना दिए थे। भगवा ध्वज को आकर्षक झांकी के साथ युवकों का जत्था मोहल्ले का भ्रमण कर वापस हनुमान मंदिर पहुंचकर समापन हुआ। आ रहे हैं भगवाधारी व भारत का बच्चा जय जय श्री राम कहेगा के धुन में युवक भगवा ध्वज यात्रा के साथ मोहल्ले का भ्रमण करने निकले। ध्वज रैली में भक्ति भाव के साथ युवकों का जत्था गगनचुंबी जय जय श्री राम का जय घोष करते हुए अखाड़े का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के हरिओम सोनी ने ग्रेड न्यूज से कहा कि इस वर्ष का हनुमान अवतरण दिवस हम लोगों के लिए काफी उत्साह व ऊर्जा भरने वाला रहा। संकट मोचन हनुमान जी की वजह से कोरोना की समाप्ति हुई है, साथ ही भगवान के आशीर्वाद व भूपेश सरकार की काम करने की जी जिविशा को खैरागढ़ की जनता ने मुहर लगाकर जिता दिया। यह हम सबके लिए सौगात है। प्रदेशवासियों को और खैरागढ़ प्रत्याशी यशोदा वर्मा को मैं बहुत बहुत मतलब हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज भारी मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय हुए और हनुमान जयंती का आज पावन वर्ष है, पावन दिन है, तो इस दिन में उनको डबल सौगात हमारी छत्तीसगढ़ शासन को मिली है। और छत्तीसगढ़ शासन संकनाद करती है कि 2023 का चुनाव भारी मतों से जीतेंगे माननीय भूपेश भैया के नेतृत्व में। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शनिवार को शाम शिवनाथ नदी में एक युवक के डूबने की सूचना डायल 112 को मिली, जिस पर SDRF की टीम को रेस्क्यू उपकरण के साथ तत्काल मौके पर रवाना किया गया। आग लगने और डूबने का सिलसिला जिले में लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार की दोपहर डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पुलगांव क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति शिवनाथ नदी में डूब गया है। सूचना मिलते ही SDRF की टीम जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह के आदेश अनुसार रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर रवाना किया गया, जहां डूबे हुए युवक कुलदीप सिंह निवासी राजस्थान उम्र 26 वर्ष की डूबने से मौत हो गई। SDRF की टीम ने शिवनाथ नदी में डूबे मृतक के शरीर को करीबन एक घंटे की मशक्कत के बाद ढूंढने में सफलता पाई और मृतक को पानी से बाहर निकाला व पुलगांव थाने को सौंपा और आगे की कार्रवाई के लिए छोड़ा। फिलहाल मृतक के डूबने का कारण अभी अज्ञात है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। 2023 के विधानसभा चुनाव से पूर्व ही खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। खैरागढ़ के चुनावी रणनीति को जीतने के लिए कांग्रेस ने बेहतर फील्डिंग जमाई, वहीं चौका लगाकर बड़ी जीत हासिल की है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को मुख्यमंत्री ने सेमीफाइनल मैच की तरह कहा था। प्रदेश में 67 सीट पर आने वाली कांग्रेस के 3 उपचुनाव जीतकर 70 सीट की बढ़त बना ली थी, वहीं अब 71वीं सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के आला नेताओं ने कई आम सभाओं को संबोधित कर धुआंधार चुनाव प्रचार किया और 3 उपचुनाव की तरह ही खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव भी जीत लिया। बीते 12 अप्रैल को संपन्न हुए खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शनिवार 16 अप्रैल के सुबह 8 बजे से की गई। यहां सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की गई और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए किए गए मतदान की गणना का कार्य 14 टेबल लगाकर 21 दौर के बाद एक EVM में तकनीकी दिक्कत आने के चलते VVPAT से वोटों की गिनती एकत्रित दौर में कर मतगणना संपन्न किया गया। मतगणना के दौरान शुरू से ही कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा बढ़त पर रही और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल को 20,176 मतों से शिकस्त देकर अपनी जीत हासिल की। अपने पक्ष में जनाधार को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने जनता का आभार जताते हुए अपनी जीत को खैरागढ़ के एक एक मतदाता और कार्यकर्ताओं की जीत बताया। सबसे पहली तो मैं अपन खैरागढ़ विधानसभा के एक एक मतदाता भाई बहन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, जिन हाँ मोला खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में चुने हैं और भारी बहुमत से विजय बना है। खले धन्यवाद देना चाहता हूँ और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोहन मरकाम को ला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभारी मंत्री ला धन्यवाद, पूरा मंत्रिमंडल ला मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे विधायक गण है और जो प्रभारी के रूप में हमारे सहयोग करे के लिए हमारे भैया विधायक मन भी आरी से ओ मल्ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता, पूरा कार्यकर्ता धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जीत हम मोर जीत नो है, ये पूरा खैरागढ़ विधानसभा के एक एक मतदाता एक एक कार्यकर्ता के जीत है रे।
मतगणना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल भी पहुंचे और जनता के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत तरीके अपनाकर जनता को लुभाने का प्रयास किया गया है। कोमल जंघेल ने कहा कि जिला बनाने का जो वादा किया गया है उसी का ये परिणाम रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को लेकर भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने इसे सत्ता का असर बताया है। हमारे खैरागढ़ विधानसभा की जनता का जो निर्णय है वो मुझे स्वीकार है और निश्चित तौर से खैरागढ़ विधानसभा में जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने आकर के अनेक बूथों पर भी खुद सभाएं की, जिले के घोषणा किया और अन्य प्रकार की घोषणा किया और साथ ही साथ जिस तरह से गलत तरीके से हथकंडे अपना करके जनता के बीच में उनको लुभाने का प्रयास किया और ये जो जिला का जो प्रभाव है निश्चित तौर से उनका प्रभाव है, इसी का परिणाम। क्या चूक लग रही है, कहाँ पे चूक? चूक नहीं, हम तो काम किए हैं, हम पूरे विधानसभा में हमने काम किया, बूथ पर गए, डोर टू डोर हमने गए और अनेक सभाएं ली और हमारे भाजपा के नेताओं ने पूरी तरह से काम किया। चूंकि अब सत्ता है, सत्ता के थोड़ा सा असर है उस सत्ता का, तो अब 24 घंटे के तो समय दिए भी हो, उसमें भी छुईदान गंडी और खैरागढ़ को शामिल कर रहे हैं, उप तहसील बनाएंगे सर, बहुत सारी चीज़ है आप देखिए और हम संघर्ष करते रहेंगे खैरागढ़। ईवीएम के माध्यम से हो रही मतगणना का परिणाम जैसे जैसे नजदीक आता गया वैसे वैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता चला गया। कांग्रेसी प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत का निर्णायक परिणाम आते ही मतगणना स्थल के बाहर जश्न का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुखौटा लगाकर कांग्रेस की जीत का जश्न मनाते नजर आए। वहीं बाजे गाजे के साथ कांग्रेस के मंत्री और पदाधिकारी भी मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ थिरकते रहे। मतगणना स्थल पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा वो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से खैरागढ़ की महान जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खैरागढ़ की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि खैरागढ़ की जनता ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। सबसे पहले तो खैरागढ़ की महान जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। खैरागढ़ की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए थे और जनता, खैरागढ़ की महान जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। हमारी प्रत्याशी आदरणीय यशोदा नीलांबर वर्मा जी 20,000 से अधिक वोटों से जीत रही है। हमने जो कहा है उन वादों को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही है, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर वह कहते थे कि मैं खैरागढ़ में गिल्ली डंडा खेला हूँ, खैरागढ़ में मेरा जन्म स्थान है। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को, आप क्यों 15 साल जनता ने आशीर्वाद दिया था मगर आपने मौका नहीं दिया? मगर हमारी सरकार 3 साल है और 3 साल में 1.5 साल बचे हैं, 1.5 सालों में भी जो हमने कहा है उन वादों को पूरा करेंगे। देर शाम कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर लोकेश चंद्राकर ने की और इस दौरान उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में विजय प्रत्याशी यशोदा वर्मा को प्रमाण पत्र सौंपा। पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान खैरागढ़ विधानसभा के जागरूक मतदाताओं का सहयोग प्राप्त हुआ है। उप निर्वाचन के लिए आज प्रातः 8 बजे से मतगणना का काम चालू किया गया था और आज अभी मतगणना का काम समाप्त हो गया और अंतिम रूप से परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अंतिम रूप से घोषित परिणामों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा को रिटर्निंग अफसर द्वारा विजय घोषित किया गया है और इसके लिए उनको प्रमाण पत्र भी प्रदाय किया गया है। इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान से लेकर मतगणना के बीच हमें खैरागढ़ विधानसभा के सभी जागरूक मतदाताओं का लगातार सहयोग प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न अधिकारी कर्मचारी, हमारे पंचायत के सचिव, पटवारी, सभी लोग लगे थे। इसके साथ साथ जो बाहर से अर्धसैनिक बल आया था, हमारे पुलिस के सिपाही लगातार काम किए। इन सबको मैं अपनी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मीडिया के साथियों ने लगातार मतदान से संबंधित और बाकी खबरें भी लगाई, उस सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ सभी लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शांतिपूर्ण और निर्विघ्न ढंग से इस निर्वाचन को संपन्न कराने में जिला प्रशासन की मदद की, उसके लिए मैं सबका आभार करता हूँ। भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिए थे उन सभी निर्देशों का पालन करते हुए जिले में मतदान के साथ साथ लेकर मतगणना तक की पूरी कार्यवाही निर्बाध और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न।
खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जिला बनाने को लेकर कांग्रेस के द्वारा किए गए वादे का था। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद खैरागढ़ का चुनावी समीकरण बदलता नजर आया और माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनता दिखाई दिया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कुल 77.78% मतदान हुआ था। 211,516 मतदाताओं में से 165,919 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव शुरू से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच दिखाई दे रहा था। जनता कांग्रेस से खैरागढ़ विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट में इस उपचुनाव में जनता कांग्रेस का असर नजर नहीं आया। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल के पक्ष में 67,703 मतदाताओं ने मतदान किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में 87,879 मतदाताओं ने अपना जनादेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड न्यूज। दक्षिण मुखी हनुमान एवं शिवालय सेवा समिति जोनवन मार्केट सेक्टर 11 कुर्सी पार में अल सुबह से ही विधिक धार्मिक अनुष्ठान हुए। सुबह से ही प्रारंभ हवन पूजन व कीर्तन के पश्चात सुंदर कांड का पाठ किया गया। इस आयोजन में सांसद विजय बघेल भी पहुँचे। वैसे तो दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर की स्थापना लगभग 50 वर्ष पूर्व मनसाराम के सहयोग से हुई थी। इस मंदिर के पुनरुत्थान के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि दोपहर से देर शाम तक भंडारे का आयोजन किया गया। शाम गहराते ही छत्तीसगढ़ी व भोजपुरी के ख्याति लब्ध गायक मनोज शर्मिला एवं साथियों द्वारा भजन की प्रस्तुति को काफी सराहा गया। सन्नो खान की कर्णप्रिय सुमधुर गायन की मुक्त कंठ से सराहना हुई। अखाड़े के सभी वर्ग के लोगों ने हैरत अंगेज कारनामे प्रस्तुत कर लोगों को चमत्कृत कर दिया। दुर्ग संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल ने दक्षिणेश्वर हनुमान जी शिव भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की। देर रात तक गायन, अखाड़ा व भंडारा चलता रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। आज के आयोजन में भंडारा और अभिषेक सबका व्यवस्था किया गया। जी, ये कितने सालों से कर रहे हैं आप लोग? ये प्रथम साल है। आपको बता दूं, ये जोनवन हनुमान मंदिर है, जब हमें बचपन से थे तब से यहाँ पे ऐसा आयोजन होता था। बीच में अभी कोविड काल होने की वजह से हम लोग 2 साल कुछ नहीं कर पाए, और अभी फिलहाल जो हमारी एक नई समिति दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर एवं शिवालय समिति करके एक रजिस्टर्ड हमारी समिति बनी है, उसमें हमारे कम से कम 100 से ऊपर सदस्य हैं। उन सबका विचार आया कि भाई 2 साल हम लोग शांत बैठे हुए थे, तो इस बार हम लोग विशाल भंडारे को आयोजन करें। तो उसी के साथ साथ हमारे समिति ने इस बार यहाँ पे सवेरे जलाभिषेक किया और उसमें चंदन वोली सब हनुमान मंदिर में किया गया। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया, उसके बाद विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, उसके बाद हमारे समिति के द्वारा एक अखाड़े का प्रोग्राम किया गया और अखाड़े के साथ साथ एक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। और ये तो समिति का प्रथम वर्ष था, आगे भी हम लोग इससे अच्छा भव्य प्रोग्राम करेंगे, ऐसी हम लोग आशा है और उम्मीद है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सेक्टर 9 संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रकाश उत्सव में देर रात्रि तक भंडारे का आयोजन चलता रहा। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी हनुमान भक्त आकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किए। इस दौरान भंडारे के आयोजन में विधायक प्रतिनिधि एवं MIC मेंबर एकांश बंछोर, युवा पार्षद आदित्य सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। जय हनुमान सेवा समिति के द्वारा लगातार पिछले 7 वर्षों से यहाँ विशाल महाभंडारा किया जाता है। इस पिछले 2 साल से कोरोना महामारी में ये कार्यक्रम हम लोग नहीं करा पा रहे थे, और जो कार्यक्रम में भंडारे की राशि होती थी या जो फलदान या अनाज का दान आता था, उससे हम लोग कोरोना पीड़ित लोगों की मदद कर देते थे। 2 साल बाद ये मौका मिला है कि हम लोग बजरंग बली की आराधना में फिर से एक बार महाभंडारा कर सके, तो हमारे साथियों द्वारा, हमारी समिति द्वारा पूरे तन मन धन के साथ यहाँ पर सुबह 7 बजे से भंडारे का कार्यक्रम चालू कर दिया गया है। भंडारे में तरह तरह की चीज़, सुबह पोहा चना, उसके बाद शरबत, लस्सी वितरण, अभी खिचड़ी और चटनी का वितरण हो रहा है शाम तक। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष में सेक्टर 9 चौक में हमारी जय हनुमान सेवा समिति द्वारा भोजन एवं जितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 7 बजे से ये कार्यक्रम चालू है और लगातार श्रद्धालु की भीड़ में कमी नहीं हो रही है। जो भी यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, हमारी तरफ से खिचड़ी वितरण, चटनी वितरण एवं छाछ मट्ठे की सारी व्यवस्था की गई है।
हमारी जय हनुमान सेवा समिति विगत पिछले 6 से 7 वर्षों से सातवां वर्ष है यहाँ पर सत्यनारायण मंदिर के बाहर विशाल भंडारा और भजन संग्रह का आयोजन करती आई है। इस साल भी आप सवेरे से देख रहे हैं भव्य रूप से भंडारे का आयोजन सवेरे से चल रहा है, जो रात के 10-11 बजे तक चलते रहेगा। शाम को हमारा चौक पे जगदलपुर की विशेष प्रस्तुति का भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमिंग से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी, तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैसाखी पर जोन 2 कुर्सी पार सेक्टर 11 के गुरुद्वारा में गुरुवाणी का पाठ किया गया, और इस दौरान सिख समुदाय की भारी संख्या में महिलाएं व बच्चे और अन्य वर्ग के लोग उपस्थित रहे। गुरुवाणी के पाठ के पश्चात आम लंगर हुआ और लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सर आपका नाम गुरु प्यार के साथ संगत बेनती की जाती है। गुरुद्वारा बेबे नानकी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, जो कि विसाखी का त्यौहार भी नाल मनाया जा रहा है। सारी समूह संगत को बधाई दी जाती है कि जो ये गुरुद्वारा बेबे नानकी विखे प्रोग्राम
जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है धूमधाम के नाल। जदों के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पांच प्यारे साजे ही यह विसाखी का दिहाड़ा वो इस तरह मनाया जाता है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं बलदेव सिंह कुरसी पाक सा श्री वाहेगुरु जी जी की फतेह। छत्तीसगढ़ दुर्ग भलाई की साध संगत को बेबे नानकी के गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई होवे। असी बेबे नानकी गुरद्वारा कुरसी पार विच हर साल की तरह बेबे नानकी का गुरपुरब और विसाखी का दिहाड़ा इतने मना रहे हैं। पूरी साध संगत को असी जिया हाँ बोलते हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सर आपका नाम? आज हम लोग यहाँ पे बेबे नानकी जी का जन्मदिन के मनाने के लिए उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथ ही यहाँ लंगर हॉल विधायक देवेंद्र यादव जी ने लंगर हॉल बनाने की भी स्वीकृति दी थी, उसका भी साथ में हम लोगों ने सब ने मिलजुल कर भूमि पूजन किया है। और साथ ही हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी जोन अध्यक्ष खुर्सीपार हैं, उन्होंने अपनी निधि से वाटर कूलर गुरुद्वारे को देने की पेशकश की है। एक घर में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक आग बुझती उससे पहले ही जलने से उसकी मौत हो गई। बाद में दलकम वाहन के पहुंचने पर आग को बुझाकर शव को बाहर निकाला गया। भिलाई तीन थाने के TI विनय सिंह बघेल ने बताया कि आग लगने की घटना चरोदा बस्ती में हुई है। यहाँ कमल नारायण चौक के पास एक झोपड़ी नुमा घर है। उस घर में सोनू निषाद अपनी छोटी बहन सोनिया के साथ रहता है। सोनू मजदूरी करता है और उसकी बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह मोहल्ले में इधर उधर घूमती रहती है। शुक्रवार रात रोज की तरह सोनू काम से लौटा, घर में खाना बनाया खाया और शराब के नशे में सो गया। देर रात अचानक घर के सामने के कमरे में आग लग गई। सोनू की नींद खुली तो उसने अपने आप को आग से घिरा पाया। चारों तरफ आग लगने से वह घर के बाहर नहीं निकल पाया। इससे जान बचाने के लिए वह अंदर की तरफ बने दूसरे कमरे में घुस गया। देखते ही देखते आग ने उस कमरे को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से जलने के चलते सोनू मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, तब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती और आग को बुझाती। सोनू की आग में जलकर मौत हो चुकी थी। आग बुझने के बाद सोनू के शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि आग चूल्हा जलाने से लगी है। सामने जिस कमरे में सोनू सोया हुआ था वहीं पर चूल्हा भी था। पुलिस का कहना है कि सोनू ने चूल्हे में खाना बनाया होगा और आग को ठीक से बुझाया नहीं होगा, इससे आग भड़क गई और झोपड़ी में लग गई। इसी प्रकार एक अन्य घटनाक्रम में शुक्रवार देर रात भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 8 स्थित एक घर में आग लगी। आग लगने से पूरे घर में धुआं भर गया। इससे वहां सोए एक युवक और एक किशोर की जान बड़ी मुश्किल से बची। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 8 निवासी अनीता के घर में शुक्रवार देर रात आग लग गई। अनीता अपने दोनों बेटों निखिल और अक्षत के साथ घर पर सोई हुई थी। आग लगने से पूरे घर में धुआं भर गया। रात करीब 3 बजे जब अनीता की नींद खुली तो घर में आग लगी थी। उसने तुरंत अपने दोनों बेटों को जगाया, लेकिन वह बेहोश हो चुके थे। इस पर अनीता ने शोर मचाया। शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े, उन्होंने सभी लोगों को घर से बाहर निकाला और निखिल और अक्षत को सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से घर में रखे कंप्यूटर और अलमारी व अन्य सामान जल गए। दोनों बच्चों की हालत ठीक बताई जा रही है। 15-16 की दरमियानी रात लगभग 3 बजे के अनीता नाम की एक महिला है सेक्टर 8 में, उसके यहाँ अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। तो कल वो एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जिसके अनुसार उसके घर में आग लगने के कारण उसका कुछ घरेलू सामान, पलंग, कपड़े, सोफा, गद्दे और कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह सामान जल गया था और आग लगने का कोई कारण नहीं बता पाए कि कैसे लगा था। और जब आग लगी थी सूचना पर फायर ब्रिगेड भी भेजा गया था, फायर ब्रिगेड ने उसकी आग बुझाया था। उसके द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर थाना भिलाई नगर में आगजनी की रिपोर्ट दर्ज की गई है और आगजनी की जांच की जा रही है। जो भी कारण आगजनी के आग लगने के आएंगे उन तथ्यों के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी और जो उसे कंपनसेशन का अधिकार है तो कंपनसेशन की जो प्रक्रिया होगा वो पूरा करके उसके संबंधित कार्यालय को भेजा जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी को देखते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन में सिंधी समाज के द्वारा यात्रियों को निशुल्क पानी पिलाने का कार्य शुरू किया गया है। यह पुण्य का काम सिंधी समाज के द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है।
बढ़ती गर्मी और उमस के इस मौसम में सिंधी समाज के द्वारा नेक पहल करते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले प्रत्येक यात्रियों को निशुल्क पानी का वितरण किया जा रहा है और यात्री भी शीतल जल पाकर संतुष्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि विगत वर्ष में कोरोना संक्रमण के चलते यह सेवा कार्य स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण में आई गिरावट को देखते हुए इस वर्ष पुनः गर्मी के मौसम में सिंधी समाज के लोगों के द्वारा यात्रियों के लिए यह सेवा कार्य शुरू किया गया है, जिसका शुक्रवार को विधिवत सिंधी समाज के धर्मगुरु की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। सेवा कार्य को लेकर सिंधी समाज के धर्मगुरु ने मीडिया को कुछ इस तरह से जानकारियाँ दी। रेलवे स्टेशन पर लगातार 9वें वर्ष जल की सेवा यानी प्याऊ घर के माध्यम से हर उम्र वर्ग के लोग आके यहाँ पर रेल के डब्बों में पहुँचा कर ठंडा पानी पिलाते हैं। सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ जल सेवा नहीं, बल्कि ठंडा पानी निःशुल्क रेल के डब्बों में और विशेष करके जनरल बोगियों में पानी पहुँचा के देते हैं। और आपको और हमको मालूम है कि जो यात्री रहते हैं, जो ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ उसमें बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं, वृद्ध और अत्यंत रोगी लोग भी उतर भी नहीं सकते, चढ़ने में तकलीफ़ होती है। ऐसे लोगों के लिए इस गर्मी में पानी उनको पहुंच के मिले, यह मानवता की एक बड़ी सेवा है। और हमारा सिंधी समाज बहुत ही खुशी और श्रद्धापूर्वक दुर्ग के इस बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित, स्वच्छ रेलवे स्टेशन और उनके अधिकारियों के माध्यम से लगातार 9वें वर्ष में सेवा कर रहा है। ट्रालियां बनी हुई है, आप अपने कैमरा के माध्यम से भरिएगा कि ट्रालियां बनी हुई है कि पहुंचा के सेवा की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्याऊ खोल दिए हैं, ठंडे पानी की मशीन भी लगी हुई है और तीन तीन प्लेटफार्म पर शदाणी जल आश्रम के माध्यम से यह हमारे सिंधी समाज की सेवा लगातार 2.5-3 महीना रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दो दिन पूर्व ही जहां एक और उतई कॉलेज में विद्यार्थियों की सुविधाओं के नाम पर रैंप और जिम्नेजियम आदि का उद्घाटन किया गया था, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों की मूलभूत सुविधाओं को अनदेखा किया जा रहा है। शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय उतई में दो दिन पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा कैंपस पहुंच मार्ग विकलांगों के लिए रैंप, लाइब्रेरी, सभागार व जिम्नेशियम का उद्घाटन किया गया था, जिसे कॉलेज की उपलब्धि और विकास की ओर से अग्रसर होने का दावा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कैंपस में विद्यार्थियों के लिए न तो पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गई है, न ही शौचालय में सफाई की कोई व्यवस्था है। शौचालय के नालों में भी पानी नहीं होने से काफ़ी परेशानी विद्यार्थियों को उठानी पड़ रही है। पीने के पानी के लिए भी छात्र और छात्राओं के लिए दो वाटर कूलर लगाए तो ज़रूर गए हैं, लेकिन उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। महाविद्यालय के प्राचार्य राजेश पांडे से जब इस बाबत चर्चा की गई तो उन्होंने कल सुधार कार्य हो जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसे में परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थी भी काफ़ी परेशान हैं। ये जो महाविद्यालय है बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ना जाए तो इतना सुंदर महाविद्यालय, मैं अपने ज़िले की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं भी बहुत सारे महाविद्यालयों का दौरा कर चुका हूँ, इतना सुंदर महाविद्यालय जिसकी सुंदरता है जमीन हो जी। और क्या कहते हैं, इतना सुंदर एम्बियंस हो, ग्रीनरी हो, ऐसा कोई महाविद्यालय आपको प्रदेश में भी देखने को मिले। तो ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। भिलाई स्मृति नगर में शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर जगह जगह विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई के स्मृति नगर में भी NSUI के छात्रों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। शोभा यात्रा विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए स्मृति नगर में ही समाप्त की गई। आपको बता दें कि कोरोना के चलते सभी प्रकार के जुलूस व बड़े आयोजनों पर विगत 2 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया गया था, परंतु इस बार प्रतिबंध हटने के बाद हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला गया और भव्य रूप से हनुमान जन्मोत्सव की खुशियां मनाई गई। आयोजन को लेकर आयोजनकर्ता रौनक भाटिया ने कार्यक्रम के बारे में मीडिया को कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। हनुमान जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, जो
विगत हम लोग कई वर्षों से कराते आ रहे हैं। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर से हम लोग रैली निकालते हुए भव्य शोभा यात्रा, इसमें डीजे झांकियां बहुत सारी सम्मिलित है और भी स्मृति नगर का बहुत और सपोर्ट हम लोग को मिलता रहता है। हम लोग यहाँ से जुनवानी चौक से सीधा मतलब जय हिंद चौक तक जाएंगे, वहाँ हम लोग ख़त्म करेंगे अपनी यात्रा। वहाँ पे हमारा भंडारा भी है और भंडारा यहाँ पे भी चालू हो रहा है। दो साल से कोरोना के कारण बंद था, लेकिन हम लोग इस वर्ष अच्छे से भव्य तरीके से करना चाह रहे, क्योंकि दो साल बाद हमको ये मौका मिला। विगत पिछले दो साल में हम लोगों ने भंडारा का कार्यक्रम रखा था, लेकिन वो सिर्फ कुछ कुछ इलाकों में ही हमने किया था। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक के साथ वीणा दुबे की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने एक और कारनामा कर दिखाया। दो साल की बच्ची के खेलते समय उसके नाक से बड़ा पत्थर नसिका में जाकर फंस गया। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वहीं असहनीय पीड़ा से वे कराह रही थी। बच्ची को लेकर उसके परिजन कई हॉस्पिटल ले गए। सभी ने उसके परिजनों को एक ही बात सुनाई कि किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, यहाँ इलाज संभव नहीं। उसे एसआर हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ के अनुभवी चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर पत्थर निकाल दिया। अब बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। बच्ची के पिता की खुशी अब देखते ही बनती है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि देवदूतों ने बच्ची की मुस्कान को बरकरार रखा। मरीज के पिता ग्राम मंदरा कुंड खैरागढ़ निवासी मदन साहू ने बताया कि बच्ची को लेकर कई अस्पताल गए, किंतु किसी भी अस्पताल में इलाज नहीं किया। सभी अस्पताल में कहा गया कि मरीज को तत्काल किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाओ। मरीज के रिश्तेदार दुर्ग में रहते हैं, उनसे संपर्क करने पर उन्होंने एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में इलाज कराने की सलाह दी। एसआर अस्पताल चिखली दुर्ग के अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता ने बताया कि जब दो साल की बच्ची अस्पताल पहुंची, बच्ची ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। बच्ची बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ में थी। उसकी गंभीर स्थिति को देखकर घर वाले भी बहुत घबरा गए थे। अस्पताल के डॉक्टरों ने तत्परता दिखाई। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता जोशी, नस चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर पवन देशमुख, डॉक्टर अश्विनी शुक्ला, डॉक्टर नीलम चंद्राकर, ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज हरी साहू, सीमा बरहरे मनोहर की संयुक्त टीम ने तत्काल बच्चे को मॉडलर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए लेके गए। आधुनिक उपकरणों की मदद से श्वास नली में अंदर तक पहुंच गए बड़े कंकड़ को निकाला गया। अस्पताल के नश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर पवन देशमुख ने बताया कि दो साल की बच्ची को बेहोश करने में ज्यादा खतरा होता है। टीम के सभी सदस्यों के अथक प्रयास से बच्ची की जान बचा ली गई है। बताया जाता है कि बच्ची अब स्वस्थ है, जिसकी छुट्टी की जा रही है। ये भी बताया गया है कि अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ उपलब्ध हैं। बच्ची के दादा हेमू साहू एवं पिता मदन साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआर हॉस्पिटल में मेरी बच्ची का तत्काल इलाज हुआ। जब मैं अस्पताल पहुंचा, सभी डॉक्टर वहां मौजूद मिले। मेरी बच्ची अब स्वस्थ है। बच्ची के पिता ने अस्पताल के डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ सहित सभी का धन्यवाद दिया। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने सभी डॉक्टर एवं स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि सभी देवदूतों ने तत्काल अपनी सेवाएं प्रदान की, जिससे एक बच्ची की जान बच गई। मैं डॉक्टर एसपी केसरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में कार्यरत हूँ शिशु रोग के पद पर। ग्राम दिनांक 14 अप्रैल को शाम के समय खैरागढ़ के एक ग्राम से दो साल के एक बच्चे को यहाँ पे बहुत ही गंभीर अवस्था में लाया गया, जो कि सवेरे के टाइम में खेलते खेलते अपने एक कंकड़ जो है नाक में डल गया था मतलब उसके, और उसको सांस में फिर बहुत तकलीफ होने लगी। बच्चे को खैरागढ़ अस्पताल फिर और विभिन्न अस्पताल से होते हुए दुर्ग के जिला अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पे उसका इलाज करने से रिफ्यूज कर दिया गया। अंततः उसे एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में लाया गया, तो उसको हमारी टीम ने तुरंत उसको ओटी में शिफ्ट करके विभिन्न मतलब क्या बोलते हैं एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और ईएनटी विशेषज्ञ की मदद से बच्चे का कंकड़ जो है वो बाहर निकाला गया और बच्चा फिर स्वस्थ हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, निश्चेतना तथा आईसीयू विभाग प्रमुख, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे यहाँ खैरागढ़ से एक दो साल की बच्ची आई थी कुछ दिनों पहले, जिसकी नाक में एक कंकड़ खेलते हुए उसने घुसा लिया था। कंकर जाके अंदर फंस गया था, जिससे सांस लेने में बच्ची को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बच्चा खैरागढ़ से वहाँ के पे भी कई अस्पताल में गया, वहाँ से यहाँ दुर्ग जिला अस्पताल में भी गया, पर वहाँ पे उपलब्ध सुविधाएं ना होने के कारण वहाँ से बच्ची को भेज दिया गया।
बच्ची जब हमारे पास आई तब थोड़ी स्थिति उसकी गंभीर थी। कंकर अंदर फंस गया था, थोड़ा सा खून भी बह रहा था, नाक और मुंह में सूजन आ गई थी। ऐसी अवस्था में उसको बेहोश करके नाक का कंकर निकालना एक बड़ा चैलेंज था, परंतु हमारी टीम ने तुरंत एक्शन लिया। हमारे ENT विभाग प्रमुख डॉक्टर अंकिता ने और मैं स्वयं निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर पवन, हमने OT में लेके बेहोश करके उसके नाक में से कंकर निकाला। आज बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा रही है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता SR हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। समय समय पर हम जनता तक हमारी सेवाओं के बारे में बोलते रहे हैं, जो इमरजेंसी और रूटीन दोनों उसमें शामिल हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कॉम्प्लिकेटेड गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हो, डिलीवरी केस हो, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ना, प्लास्टिक सर्जरी और नसों को जोड़ना, इसके बारे में हम समय समय पर लोगों को अवगत कराते रहें, जिससे कभी उनको ऐसी परेशानी ना हो कि इस अस्पताल के बारे में जानकारी नहीं। इसी संदर्भ में कल की बात है, 2 साल की एक बच्ची आई थी जो खेलते खेलते नाक में कंकड़ फंस गया था, सांस की तकलीफ हो रही थी और नाखून भी थोड़ा बहुत नीले पड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उसके गांव से उसके माँ बाप लेके आए थे और काफ़ी चिंतित भी थे। हमारे यहाँ सारे प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे इमरजेंसी हो चाहे रूटीन हो, कितने भी कम समय में सारे डॉक्टर्स तुरंत उपलब्ध होते हैं और हमें ये बड़ी खुशी है कि मरीज के यहाँ पहुँचते 1 घंटे के अंदर उसके कंकड़ को निकाल दिया गया और उसके सांस में तुरंत उनको राहत भी मिली। इससे परिजन भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे और बच्चे की जान भी बच गई। थोड़ा अगर देर होता तो हो सकता तो पत्थर और गंभीर रूप से अंदर जाके फेफड़ों में फंसता, तब मुश्किल हो सकती थी। लेकिन इस परिस्थिति को आने से पहले ही हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने 1 घंटे के अंदर, मरीज जब पहुँचा उसके 1 घंटे के अंदर उस कंकड़ को निकाल दिया। तो इस तरह से हम सारे इमरजेंसीज में हमेशा तत्पर हैं और जनता से ये हमारे माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर कोई कठिनाई हो, किसी भी विभाग की कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर हमारे अस्पताल को संपर्क करें, हम उनकी सेवा में हमेशा कार्यरत हैं। धन्यवाद। मैं मदरा पर आया हूँ इलाज कराए के लिए। मैं यहाँ अपन नकमीन के गोटी खुसर गिरी से थे, मैंने दुर्ग में गए तो ऊँचो यहाँ नहीं हुई, छेड़गढ़ में गए तो ऊँचो नहीं हुई, यहाँ आए तो अच्छा इलाज हुई से अच्छा साफ साफ है दस्ती का के। तो धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।